सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ डार्क सर्कल प्रॉब्लम से। एज यू ऑल नो, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, इवन आपके खुद के भी हो सकते हैं। सो मैं इस वीडियो में आज यही बताने वाली हूँ कि इनको कैसे रिमूव किया जाता है और सबसे मेन चीज़ ये होते कैसे हैं, किन किन रीज़न से होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है इसका नींद का पूरा ना होना, यानी कि आप लोग रात को लेट सो रहे हो जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो सबसे मेन और सबसे बेसिक सा रीज़न तो यही है, नींद जब कभी हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो इस वजह से हमारे डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब आते हैं सेकेंड रीज़न पर। सेकेंड रीज़न मेनली गर्ल्स में होता है। तो हम गर्ल्स क्या करती हैं, मेकअप लगा तो लेती हैं बट उसे अच्छे से रिमूव नहीं करती हैं, तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगी कि जब भी आप मेकअप यूज़ करें तो उसको अच्छे से रिमूव कर लें। थर्ड रीज़न पे आते हैं अब। थर्ड रीज़न है टेंशन। टेंशन में भी डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, मतलब बहुत से लोग टेंशन में चले जाते हैं तो उनको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि उनके डार्क सर्कल प्रॉब्लम हो गई है। एंड फोर्थ रीज़न है इसका हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि शरीर में जो है हमारे मेलानिन की मात्रा बढ़ जाना। मेलानिन की मात्रा बढ़ती कैसे है, जैसे आप कभी धूप में ज़्यादा रहते हो या आपका काम धूप में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हमारे डार्क सर्कल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अब हमने जान लिया है कि डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, तो अब बात करते हैं इसको अवॉइड करने की। जो भी एडवाइस मैं दूंगी आपको डार्क सर्कल प्रॉब्लम रिमूव करने की, वो सारे नेचुरल तरीके हैं और मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको रिज़ल्ट अच्छे ही मिलेंगे। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, जो थोड़ा बहुत मेकअप लगा था उसे रिमूव कर लिया है ताकि मैं आपको अप्लाई करके भी बता सकूँ। तो पहला तरीका है आलू। आलू में विटामिन सी होता है, विटामिन कैल्शियम होता है, आयरन होता है, तो जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, आलू का एक टुकड़ा लेना है। अपना टुकड़ा आपके लिए इनफ है। ये टुकड़ा लेके आपने क्या करना है, इसको सिंपली विदाउट कोई प्रेशर के आपने इस तरह से इसे रब करना है। इसे 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट तक आप अपने फेस पे आइस के नीचे रब करो और रब करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रहने दो। जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद अपना फेस जो है वो ठंडे पानी से धो लो। और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार आराम से कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड तरीके की। सेकंड तरीका मेरा पर्सनली फेवरेट है, मैं उसे अपने डेली रूटीन में रखती हूँ और डेली यूज़ करती हूँ। आप भी उसको डेली यूज़ कर सकते हो। तो मैं बात कर रही थी विटामिन ई के कैप्सूल्स की। विटामिन ई के कैप्सूल्स आपके जो पिगमेंटेशन होती है फेस की उसको बिल्कुल ही इवन टोन कर देगा। मतलब आप इसे डेली यूज़ करो, रात को सोने से पहले उसको अपने फेस पे लगा के सो जाओ। मतलब यार गाइस, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैं एडवाइस करूँगी आपको भी कि आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें। तो इसको करना क्या है आपको, तो आपको करना क्या है, एक कैप्सूल लेना है, उसको क्या करना है, उसकी छोटी सी ड्रॉप जो आपको लगे कि इनफ है आपके लिए, लेके उसको अपने आँखों के नीचे इस तरह से दोनों साइड लगा देनी है। और उसे आराम से मालिश करना है इस तरह से, आराम से उसको मालिश करो। और ये मालिश आप 1 या 2 मिनट करो और सो जाओ। इसको आप रात को सोने से पहले ही लगाना, क्योंकि अगर आप इसे दिन में लगाओगे तो ये डस्ट को भी कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो आप, मैं प्रेफर करूँगी आप रात को ही इसे यूज़ करो, रात को सोने से पहले इसे लगा कर सो जाओ और सुबह उठकर ठंडे पानी से मुंह धो लो। तो ये था हमारा सेकंड तरीका जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में क्या करना है, आपने एक टमाटर लेना है और एक नींबू लेना है। टमाटर के रस में नींबू की 2 या 3 ड्रॉप मिक्स कर लो
और उसे अपने आइस के नीचे लगा लो, आराम आराम से अपनी आइस के नीचे उसकी मालिश कर लो। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। सॉरी, आपने इतना टमाटर आपके लिए इनफ है, आप टमाटर का रस निचोड़ लो। और दो से तीन ड्रॉप नींबू की कर लो, ये इतनी इनफ है। और क्या करो, इसे मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद क्या करना है, आप इसे आराम से अप्लाई कर लो। आप कभी भी नींबू को जो है डायरेक्ट यूज़ मत करना फेस पे, उससे आपको आपके स्किन पे रेडनेस हो सकती है, जलन हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप नींबू को कभी जब भी यूज़ करो तो किसी ना किसी के साथ मिलाकर ही यूज़ करो। आपको पता ही है नींबू और टमाटर में बहुत से विटामिन्स होते हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लाभदायक हैं। ख़ास करके जो टमाटर है, टमाटर में विटामिन सी होता है जो कि हमारे ओपन पोर्स को क्लोज़ करता है, हमारी जो सनलाइट से हमारे फेस पर डार्कनेस हो जाती है उसको भी रिमूव करता है। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो मैंने आपको यूज़ करके बता दिया है, इसको भी आप चार से पाँच मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने दो, और जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद अपने फेस को जो है ठंडे पानी से धो लो। तो इसको भी आप क्या करो, हफ्ते में दो से तीन बार आराम से यूज़ कर लो। तो जितने भी मैंने दो से तीन तरीके आपको बताए हैं, इसके जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं ना, मतलब 7 दिनों के अंदर आप खुद ही फ़र्क महसूस कर लोगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, होप आप उसे यूज़ करोगे, और यूज़ करने के बाद आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे ज़रूर बताएं। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बिलो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।